आपका assertion एंड रीजन क्वेश्चन देखो कैसा है। द पॉइंट 2,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। रीजन आर एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपको क्या करना है, पहले आपको रीजन देखना। तो रीजन देखो क्या दिया है, एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ट्रू। आओ तो यहां पर देखो, सपोज दिस इज योर इक्वेशन, तो क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर क्या दिया है, 2,2 इज द कोऑर्डिनेट, तो ये दिया है आपका 2,2। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है दैट इज योर एक्स और सेकंड वाला इज योर वाई। अब आपको क्या करना है, जहां पर एक्स है यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2+2 दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 इज ट्रू। तो दैट मीन्स आपका रीजन एंड assertion बोथ आर ट्रू। ठीक है, एंड आपका जो रीजन दिया है यही हमने assertion में यूज किया, तो दैट मीन्स आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पर आपको टिक करना है। ठीक है,